गमछा पगड़िया के गाड़ी मत समझ, बिहारी हई भैया भिखारी मत समझ। नून रोटी खाएम चाहे भात तरकारी, केहू के ना सही कबो बिहारी रंगदारी। तमिलनाडु में कबले पीटई है बिहारी नीतीश चाचा, कि कांटों पे चढ़कर फूलों का हार बनाते हैं, पतझड़ों से लड़कर बहार बनाते हैं। अरे यार मैं भी बिहारी तुम भी बिहारी, चलो ना मिलकर एक नया बिहार बनाते हैं, बिहार बनाते हैं। कबले जरी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी, अरे 500 करोड़ लगा के देखो गिनती होता जाति के। नीतीश चाचा वोट बैंक बनावा ताड़े पार्टी के, किसको गिनना है तो गिनती अगर करे के बात तो गिनी बेरोजगार उनके। आप कहते हैं कि रामायण गलत है, आप कहते हैं रामायण गलत है, तुलसी गलत है, तो केवल आप ही दूध से नहाए हैं? सही सही बतलाइएगा, शिक्षा मंत्री आप हैं, बीपीएससी पेपर लीक करके कितना कमाए हैं? हाँ हम भोजपुरिया ही, भोजपुरी हमार है, सबका ले नीमन ही, हमरो बिहार हो, ममता के गगरी है, विश्वामित्र के नगरी है। बिहार के एक ऐसे वीर सच्चे सिपाही मित्रों जो पहले बॉर्डर पर रहकर देश की सेवा करते थे और आज रिटायर होने के बाद जो है अपनी लेखनी से बिहार के लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक अनुपम जी हैं और ये मित्रों कवि हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं और इनका लिखा हुआ किताब यहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी पढ़ते हैं और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी दीवाने हो जाते हैं और इनको पुरस्कार के रूप में, इनके सम्मान के रूप में एक खत भेजते हैं कि प्रिय अनुपम जी, प्रधानमंत्री जी को आपका खत 23 जून 2014 को प्राप्त हुआ, आपके द्वारा भेंट स्वरूप पुस्तक भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, मंगल कामनाएं सहित भावादीय जो है उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री जी के तरफ से इनको धन्यवाद ज्ञापित किया। यानी बिहार के लाल की कविता पढ़कर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है दीवाने हो जाते हैं और इसके बाद इनके सम्मान में पत्र भेजते हैं। अनुपम जी जय हिंद आपको। जय हिंद सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। एक भूतपूर्व आर्मी का जवान बॉर्डर पर रक्षा करने के बाद एक कवि कैसे बन गया? बिल्कुल, जब हम सेना में गए तो हमको अकेलापन महसूस हुआ, तो मैं बोला कि इस जो इस कमजोरी को हम ताकत क्यों ना बनाएं, तो मां सरस्वती की अनुकंपा हुई और मुझे लेखनी का प्रेरणा मिली और मैं लेखनी करने लगा। अभी तक 2-3 किताब लिख चुके हैं, भोजपुरी में 700 प्लस गाना लिख चुके हैं, हजारों जो है देशभक्ति गीत लिख चुके हैं, हजारों जो है देशभक्ति कविताएं लिख चुके हैं और आज इसीलिए सत्ता से लेकर प्रशासन तक, राजनीति से लेकर सदन तक, संसद से लेकर विधानसभा तक, बॉर्डर से लेकर देश की रक्षा सुरक्षा तक, राजनीति से लेकर बिहार और बिहार के लोगों तक, बिहारियों की पीड़ा तक और तमिलनाडु से लेकर बिहार के दिल्ली तक और बिहारियों के प्रशंसा तक आज हम सब कुछ सुनने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा, बेरोजगार, इसके बाद तमाम विषयों पर आप हमको कविता सुनाएं। बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको 4 लाइनें सुनाना चाहूंगा फौजी की कलम से। इनका यूट्यूब और फेसबुक है फौजी की कलम, और फौजी की कलम से आज हम लोग मुखारविंद से आज हम कविता सुनने का प्रयास करेंगे, पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर। सबसे पहले आपने जैसे बताया कि फौजी की कलम से मेरा पेज है फेसबुक पे और यूट्यूब पे, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग आए और देखें, अच्छी अच्छी कविताएं और गीत मिलेंगे आपको। मैं आपको सुनाता हूँ 4 लाइनें अपनी कविताओं की जी। सबसे पहले आम जनता के लिए सुनाऊंगा, मैंने लिखा था कि हे प्रभु ये तेरी कैसी दुनिया, हे प्रभु ये तेरी कैसी दुनिया, कैसे ये दुनिया वाले हैं, रंग रूप से भोले भाले दिल के बड़े ही काले हैं, दिल के बड़े ही काले हैं। फिर मैं सुनाता कि घर भी छूटा गांव भी छूटा, छूटा अपना देश रे, घर भी छूटा गांव भी छूटा, छूटा अपना देश रे, पैसे खातिर ओ राही क्यों भटके तू परदेश रे, पैसे खातिर ओ राही क्यों भटके तू परदेश रे। बिहार के लिए मैंने लाइनें लिखा था कि गमछा पगड़िया के गाड़ी मत समझ, गमछा पगड़िया के गाड़ी मत समझ, बिहारी हई भैया भिखारी मत समझ, बिहारी हई भैया। वाह जी, जो है दिल्ली बंबई तमिलनाडु कर्नाटक हैदराबाद आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा राजस्थान जो है ये तमाम राज्यों के लोग बिहारी को गमछा देते देखते ही भिखारी समझ लेते हैं, लेकिन एक बिहारी जो है अपने गमछा का मान भी रखता है, सम्मान भी, और एक बिहारी जो है पैसा के लिए नहीं बल्कि मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए जीता और मरता है। बिल्कुल स्वाभिमान के लिए, इसीलिए मैंने लिखा था
जी, नून रोटी खाएम चाहे भात तरकारी, वाह, नून रोटी खाएम चाहे भात तरकारी, केहू के ना सही कबो बिहारी रंगदारी, वाह, अरे नगदी के खानी तू उधारी मत समझ, नगदी के खानी तू उधारी मत समझ, बिहारी हई भैया भिखारी मत समझ। और बिहार के लोगों का अपमान क्यों होता है? क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। जिस दिन बिहार में इंडस्ट्री आएगी उस दिन बिहारी दूसरे राज्यों में जाकर काम नहीं करेंगे, और बिहार के लोग जब बिहारी के लिए काम करेंगे तो बिहार समृद्ध राज्य बनेगा। तो बिहार में इंडस्ट्री आए इसके लिए। बिल्कुल, हम तो लिखे थे कि कैसे दिखाई अपना दिलावा के चोट हो, वाह, कैसे दिखाई अपना दिलावा के चोट हो, नोट में बिका जाला बिहारी लोग के वोट हो, वाह, नोट में बिका जाला बिहारी लोग के वोट हो, हमारा के गढ़ा के बरारी मत समझ, बिहारी है भैया भिखारी मत समझो, बिहारी है भैया हमारा बिहार में ना मिलेला नौकरिया, यही से तो दिल्ली बम्बे ढोई ले टोकरिया, हमारा बिहार में ना मिलेला नौकरिया, यही से तो दिल्ली बम्बे ढोई ले टोकरिया, आ हमारा के रोड छाप हम के मदारी मत समझ, बिहारी है भैया भिखारी मत समझ। जिस दिन बिहार के लोग अपने वोट की कीमत समझ लेंगे और जाति पात से ऊपर उठकर अच्छे नेताओं को चुनेंगे, उस दिन बिहार के लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में वो सब कुछ है जो एक आम इंसान को चाहिए। बिहार का लाल जो है जब बाहर जाकर विदेशों में नाम कमा सकता है, बिहार के ऊपर मूवी बन सकती है, तो दुर्भाग्य है कि बिहार के लोग आखिर बाहर जाकर काम क्यों करते हैं। बिल्कुल, क्यों करते हैं, यही तो मैं बोला था कि ये युवाओं को सोचना पड़ेगा। हाँ। युवाओं को सोचना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था कि कांटों पे चढ़कर फूलों का हार बनाते हैं, पतझड़ों से लड़कर बहार बनाते हैं। अरे यार, मैं भी बिहारी, तुम भी बिहारी, चलो ना मिलकर एक नया बिहार बनाते हैं, बिहार बनाते हैं। लेकिन बॉलीवुड वालों ने एक स्लोगन दे दिया था कि कट्टा ठोकेंगे कपार में, आइए ना हमारे बिहार में। लेकिन अब कट्टा नहीं, फूलमाला से स्वागत करेंगे अपना बिहार में, आइए ना, प्रेम का अलख जगाते हैं मिलकर बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, मिटाते हैं भ्रष्टाचार को, बनाते हैं बिहार को। बहुत बढ़िया। यही कारण है कि अनुपम जी की कविताएं पढ़कर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दीवाने हो गए थे। मोदी जी आपके दीवाने क्यों हैं? मोदी जी दीवाने इसलिए है कि जो उनको, वो सेना के प्रति एक अलग भाव रखते हैं, उनके अंदर देशभक्ति की भावना शुरू से ही रही है। हाँ। उन्होंने किताब पढ़ा, हो सकता है उनको अच्छा लगा हो। हाँ। उन्होंने हमको भेजा, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हाँ। बिल्कुल, रक्सौल में एक आर्मी के जवान को पुलिस के द्वारा जो है दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, एक वर्दीधारी वर्दी वाले की कीमत नहीं समझ पाता है। तो रक्सौल में जो घटना घटित हुई वो गलत है। बिल्कुल, आप उसके ऊपर एक फौजी है, फौजी की भाषा में समझाइए। हम तो बोले थे, हम तो नीतीश जी को बोले ही थे वहां से। हाँ। कि कहीं ना प्रशासन वहीं का लूज होता है जहां की सरकार लूज होती है। हाँ। तो मैंने तो बोला था कि सुनी सुनिए सुशासन। हाँ। सरकार राजा जी, अरे सरकार राजा जी। हाँ। कबले जरी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी, राउर शासन के दरोगा, अरे रंगदार राजा जी, रंगदार राजा जी। कबले जरी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी। एक आर्मी का जवान देश के लिए सोचता है और देश के लिए जीता और मरता है, और आर्मी के जवान का सम्मान इस देश में होना चाहिए, सच बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो कविता कवि होता है, जो कविता लिखने वाला एक कवि होता है, जब उसकी कविता से संदेश जाए तो सच्चा कवि वही कहलाता है। उसकी लेखनी से बिहार को, देश को परिवर्तित करने वाले स्लोगन लिखने लग जाए उसकी लेखनी, तो वही सच में एक राष्ट्रीय कवि कहलाता है। और कविता कवि वह होता है जो सोई हुई गूंगी बहरी सरकारों को अपनी लेखनी और अपने शब्दों के माध्यम से जगाए, वही एक राष्ट्रीय कवि और एक वही कवि कहलाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने कविता के माध्यम से सरकार को और सिस्टम को जगाइए एक बार। देखिए, सत्ता के डर से अगर कोई कवि अपने कलम से समझौता करता है तो वो कवि हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एक पत्रकार और एक कवि का ये काम होता है कि सत्ता जब सो रही है तो अपने लेखनी और अपने कलम और अपनी आवाज से लोगों को सिस्टम को जगाए। बिल्कुल, जैसे आज की ये घटना घटी है, आपको पता होगा तमिलनाडु में। हाँ। मैंने बिल्कुल लिखा है अपने बिहार सरकार के लिए। हाँ। कि अरे तमिलनाडु में कबले पिटाई है बिहारी। हाँ। क्या हुआ? तमिलनाडु में कबले पिटाई है बिहारी, नीतीश चाचा। वाह। कोई दिया देश एगो जारी, नीतीश चाचा, कोई दिया देश एगो जारी। अरे पंचर हो गईल
सुशासन के गाड़ी नीतीश चाचा कई दिया देश एगो जारी नीतीश चाचा कई दिया देश एगो जारी अब ना चली राउर कौनो बहाना हमरो बिहार में खोल दी कारखाना अरे कबले बिहारी कहीं है भिखारी भिखारी इन द सेंस कि हम लोग जाकर जो दर दर की ठोकरे खाते हैं उसके लिए भिखारी शब्द का प्रयोग किया हूँ कि कबले बिहारी कहीं है भिखारी नीतीश चाचा कोई दिया देश एगो जारी और बिहार के लोगों को भिखारी कौन बनाता है सिस्टम में बैठे लोग सत्ता के लोग बिल्कुल हमने पूछा था एक बहुत अच्छी चीज मैंने पढ़ा था उसमें कहा गया था कि बिहार में रोजगार क्यों नहीं लगता है तो बिहार में रोजगार इसलिए नहीं लगता है कि यहाँ पे यहाँ के इतना सस्ते मजदूर देश में कहीं नहीं मिलते हैं तो अगर यहाँ कारखाना लग जाएगा तो सारे मजदूर यहाँ काम करेंगे तो बाकी देश के क्षेत्रों की कंपनियां कैसे चलेंगी तो लोग हमारी कहीं ना कहीं इनके बारे में नेताओं जी को सोचना चाहिए मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेके इस पर काम करना चाहिए एक और बढ़िया सिस्टम को जगाने के लिए कुछ और पढ़िए सिस्टम के जगाने के लिए मैं तो बोला ही था कि नीतीश जी को मैंने बोला था कि अरे देश के जवानावा के छोड़िए एसपीओ साहब देश के जवानावा के छोड़िए नीतीश चाचा ना तो होई आंदोलन एगो भारी एगो जवान को होता सारा हिंदुस्तान को होता ये पिटारा है आपका बिल्कुल पिटारे को खोलकर कुछ बढ़िया सा जो है सुनाइए ये पिटारा खोलकर आपको मैं सुनाता हूँ कि देखिए मैंने पहले भी विरोध किया था कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए जातीय जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ मैं किसी जातिवाद की गिनती के विरोध में नहीं हूँ लेकिन हमारा बिहार अभी उस स्थिति में नहीं है कि हम जातिवाद की गिनती करें हमारा बिहार को भी कारखाना चाहिए इसको कविता के माध्यम से बिल्कुल मैंने बोला था कि अरे 500 करोड़ लगा के देखो गिनती होता जाति के अरे 500 करोड़ लगा के देखो गिनती होता जाति के नीतीश चाचा वोट बैंक बनाव तारे पार्टी के नीतीश चाचा वोट बैंक बनाव तारे पार्टी के रोजे पेपर लीक होता कोहस परीक्षा ठीक होता अरे बेरोजगार पिटात बाड़े अरे इनका पुलिस के लाठी से नीतीश चाचा वोट बैंक बनाव तारे पार्टी के बीपीएससी और बीएसएससी बिल्कुल बीपीएससी हम उनको बताए कि किसको गिनना है तो गिनती अगर करे के बात तो गिनी बेरोजगारन के वाह गिनती अगर करे के बात तो गिनी बेरोजगारन के जनता के धन लूटे वाला चोर चुहाड़ गद्दारन के वाह अरे घर के थरिया तसला फूटल घर के थरिया तसला फूटल तबो सोख बा हाथी के नीतीश चाचा वोट बैंक बनाव तारे पार्टी के सच में ये कवि है और जो कवि सिस्टम को जगाए वही सच्चा कवि कहलाता है सर डर वर नहीं लगता इतना अच्छा नीतीश जी को टारगेट कर रहे हैं शब्दों का बाण छोड़कर उनको घायल कर रहे हैं बिल्कुल मैं किसी का विरोधी नहीं हूं जो अच्छा काम करेगा उसके लिए मैं बिल्कुल लिखूंगा मैंने बिहार पुलिस के लिए भी अच्छी लाइनें लिखा था ऐसी बात नहीं कि जाड़ा गर्मी सहेले बारिशावा हमरो बिहार के पुलिसावा रामायण के ऊपर चर्चा होती है और दोहा और चौपाई में बांट दिया जाता है और शिक्षा की बात नहीं की जाती है जरा कविता के माध्यम से बताइए देखिए रामायण रह गई बात की रामायण और ये रामचरितमानस में आपस में झगड़ने का ही परिणाम है कि आज लोगों को तमिलनाडु में ये दिन देखने को मिल रहा है तो मैंने बोला था कि आप कहते हैं कि रामायण गलत है आप कहते हैं रामायण गलत है तुलसी गलत है तो केवल आप ही दूध से नहाए हैं सही सही बतलाइएगा शिक्षा मंत्री आप हैं बीपीएससी पेपर लीक करके कितना कमाए हैं वाह 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 फिर आगे आगे नहीं ये राम से बड़ा नेता कौन राम से बड़ा नेता कौन दलित पिछड़े परिवारों का केवट निषाद सबरी घर का बेर खाना केवट निषाद सबरी घर जाना पहचान है संस्कारों का पहचान है संस्कारों का राम और राम से बड़ा नेता कौन पैदा हुआ है आज तक कोई सोचने का विषय राम मर्यादा पर चलते हुए सभी जाति धर्म विशेष के लोगों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किए और राम के पद चिन्हों पर आज के नेता दो कदम चलेंगे तो देश का भाग्य भी सुधरेगा और बिहार का भविष्य भी उज्जवल होगा बिल्कुल बिल्कुल हम सबको सोचना पड़ेगा उसके लिए बिल्कुल 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 हम सुनाते हैं आपको एक भोजपुरी गेम हाँ हम भोजपुरिया हैं हाँ हम भोजपुरिया हैं भोजपुरी हमार हो सबका ले नीमनी हमरो बिहार हो
हाँ हम भोजपुरिया हैं, भोजपुरी हमार है, सबका ले नीमन ही हमरो बिहार है। ममता के गगरी है, विश्वामित्र के नगरी है। वाह, ममता के गगरी है, विश्वामित्र के नगरी है। भिखारी ठाकुर तो संगीत के पगड़ी है, भिखारी ठाकुर तो संगीत के पगड़ी है। चाणक्य के बुद्धि है, चाणक्य के बुद्धि है, बुद्ध के शुद्धि है, चाणक्य के बुद्धि है, बुद्ध के शुद्धि है। आर्यभट्ट के जीरो है, मनोज वाजपेयी हीरो है, बाबू कुंवर सिंह के यह तलवार है। हाँ हम भोजपुरिया हैं, भोजपुरी हमार है, सबका ले नीमन हमरो बिहार है। वाह वाह, सच में सबसे नीमन हमारा बिहार है। और बिहार में वो सब कुछ मिलता है जो एक आम आदमी को चाहिए। बिहार में प्यार, सम्मान, मान, अभिमान, स्वाभिमान, सत्ता, शासन, प्रशासन, अच्छे लोग, बिहारी का करेजा दिल, बिहारी का बड़ा सा दिल, लिट्टी चोखा, तमाम चीजें हर बिहार में सब कुछ मिलती है। अच्छा ये बताइए सर, एक सैनिक जो होता है देश की रक्षा करता है बॉर्डर पर, रिटायरमेंट के बाद उसे नौकरी पर रख दिया जाता है, लेकिन आपने कलम का दामन क्यों उठाना? कलम का दामन इसलिए मैंने थाला कि मेरे को लग रहा है कि इस शरीर की आवश्यकता जितनी जिंदा में थी ना उतनी पूरी हो गई है। अब इसके लिए काम करना है कि मर जाने के बाद कोई याद करे तो ये कहे कि कोई था, तो एक बस और कुछ नहीं। और वो कोई नहीं, कोई और नहीं, वो अनुपम था। अनुपम जैसे हजारों लोग होंगे तो और अच्छा लगेगा ना, मेरे जैसे नहीं। मैं भी तो किसी को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर उसके ऊपर चल रहे। आप लोगों को, आप लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हो। आप लोग जितनी मजबूती से अपनी आवाज को रखते हैं सरकार के सामने, उसके लिए कलेजा चाहिए। बिल्कुल, आजकल कवि जो है राष्ट्रवादी कवि, और कवि जो है वो किसी पार्टी के कवि और विशेष किसी व्यक्ति विशेष के कवि बन गए हैं। और यही कारण है कि कविता का और कवि का आज सम्मान नहीं होता है। लेकिन जब कवि लेखनी से लिखना बंद कर देगा तो कहीं ना कहीं बातें जो है वो सरकार तक और लोगों तक नहीं पहुंचेंगी। इसलिए कवि को अपने कर्मों का पालन, अपने जो है चीजों का पालन करना चाहिए, अपने धर्मों का पालन करना चाहिए, और वो अच्छे से और बेहतर तरीके से आने वाले भविष्य के लिए लिखते रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपका अब अंत करूंगा आपकी बात को एक बात कहकर। कि तिरंगा होवे निशानी बलिदान के, देशवा पे मीटे वाला अमर जवान के। तिरंगा होवे निशानी बलिदान के, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। मैं वहां भी बोला था, यहां भी बोल रहा हूं कि सच्चा प्रेम जतन से होता, सोना चांदी नहीं रतन से होता। वाह, उस प्रेम पर सब ने उछावर, जो महबूबा से नहीं वतन से होता। अभी हमारे साथ कवि अनुपम जी थे, जिनके दीवाने प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं। देश की 17 साल तक बॉर्डर पर रहकर सेवा किए, इसके बाद अब कलम के माध्यम से देश के लोगों को सिस्टम और सत्ता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। YouTube और Facebook पर फौजी की कलम नामक फौजी की कलम से नामक एक पेज पर ये अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। एक फौजी से और आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि 17 साल देश की सेवा करें और देश के बाद जो है सेवा करने के बाद देश के लोगों को कलम से जगाने का प्रयास करें। यही एक फौजी का धर्म है और उसी धर्म को पालन जो है ये भैया कर रहे हैं। आप हमसे जुड़े अनुपम जी, आप देश के लिए पहले भी लड़ चुके हैं और आज भी देश के लोगों के को लड़ाने और जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत आभार है। बिल्कुल, मैं उनको बोलता हूँ, मैं तमाम दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से जरूर बोलूंगा कि अपने माँ बाप की, अपने परिवार के सम्मान करें, क्योंकि माँ की याद सभी को आती। माँ की याद सभी को आती, मैंने ये चार लाइनें पिता के लिए लिखा था, जो पिता का कोई वैल्यू नहीं। माँ की याद सभी को आती, माँ की याद सभी को आती, सारा जग गुण गाता है। वाह, माँ की ममता का। बिल्कुल, दर दर ठोकर खाने वाला पिता नजर नहीं आता है। घिसे हुए चप्पल पैरों में, आंखों का चश्मा फूटा है, औलाद क्या जाने पिता का दर्द, तेरे भविष्य ने उसको लूटा है। वाह, अंग्रेजी स्कूल के फीस को भरकर भूखे पेट सो जाता है, दर दर ठोकर खाने वाला पिता नजर नहीं आता है। दर दर ठोकर खाने वाला पिता नजर नहीं आता है, इंग्लिश स्कूल की फीस भरने में भूखे पेट सो जाता, भूखे पेट सो जाता है। सच बात है कि पिता का दर्द आप क्या समझिएगा, जब आप पिता बनिएगा तो सच में आप पिता होने का एहसास कीजिएगा और तभी एक पिता का दर्द समझ पाइएगा। बाकी अनुपम जी थे, इनसे तमाम विषयों पर बात कर रहे थे, कविता के माध्यम से लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे कवि अपने कविता और अपनी लेखनी से सिस्टम को जगाता है। अनुपम जी आप हमसे जुड़े उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।